हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल तुम लोगों के? हमारा तो बढ़िया है, तुम्हारे अभी पता चलेंगे। और सबसे पहले तुम लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटिव लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रिव्यू लैब के अंदर, और आज के एपिसोड में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मी ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर को। पर उससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि पिछले के पिछले वीडियो में जो S20 प्लस में मैंने बनाया था, क्या प्यार दिया है, इतना बड़ा हादसा हो गया। और भैया जो पिछला वीडियो बनाया था DJI गिम्बल के ऊपर, ये फकीरी है। क्या हो गया भैया, क्या प्रॉब्लम है? कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा, क्यों लाइक नहीं कर रहे? इट्स हर चॉइस। तो भैया चॉइस बदल दो और लाइक वाइक करो यार, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले रेगुलर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यार आप लोगों को क्या लगता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? बचपन से मेरा सपना था कि यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊं और उस पे जो है वीडियोस अपलोड करूं। क्यों करता हूं मैं ये सब? तुम्हारे लिए करता हूं, कोई शौक नहीं है मुझे। तो मेरे भाइयों, पिछला साल जो है बहुत ही खतरनाक गया है हम लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अच्छा है। बट इसमें भी नई नई न्यूज़ मिल रही है यार, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं वायरस के। और जब भी तुम किसी को फ़ोन लगाते हो तो हमारे चाचा कहते हैं कि दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नियमित रूप से हाथ धोना। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए Xiaomi की तरफ से मी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, जो मुझे लगता है कि हर एक जगह पे होना चाहिए, हर किसी के घर में होना चाहिए, ताकि आप इजीली कॉन्टैक्टलेस हाथ अपने वॉश कर सके। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, तो एक पैकेज में दो बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में है सोप डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, और राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा सिंपल वे फोमिंग हैंड वॉश, जो कि है 200 ml की बॉटल, जिसे आप मेन हेड में कनेक्ट करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इन दोनों बॉक्सेस को अनबॉक्स, और देखते हैं क्या क्या है इन बॉक्सेस में। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करेंगे ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर को, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे ओपन करना है। तो आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक नाइफ की, और प्लीज संभल के नाइफ यूज करिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सिंपल सा बॉक्स यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसे जल्दी से कर लेते हैं हम अनबॉक्स, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, कितने क्या अटैचमेंट्स हैं। तो हम लोग जैसे ही बॉक्स को खोलेंगे, फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सिंपल एक हेड जो है ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर का, और साथ में एक छोटा सा मैनुअल जिसके थ्रू आप जान सकते हैं किस तरीके से इसे यूज़ करना है। पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग रख देते हैं फ़िलहाल साइड में, और आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि है ये सोप डिस्पेंसर। तो इसे मैं अनपैक कर लेता हूँ अभी, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसे ऑपरेट करना है। तो ये रहा वो मेन हेड, जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जानते हैं कैसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इंफ्रारेड सेंसर दिया हुआ है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर वर्क करता है, और नीचे बेस जो है उसके थ्रू आप बैटरीज जो है इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, नीचे बेस जो है उसमें 4 AA बैटरीज डलेंगी। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, आपको सिंपली बेस को जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और यहाँ कंपार्टमेंट में आपको 4 स्टोरेज मिलेंगे, जिसमें आप 4 AA बैटरीज लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी वे में ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ आपको इंसर्ट करना है 4 AA बैटरीज। तो ये बड़े इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या आपके किसी भी लोकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगी, आपको इजीली मिल सकती हैं बैटरीज। आप परचेज करिए इसे शॉप से, और इजीली यूज़ करिए। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ज़्यादा ये कंज्यूम नहीं करता है बैटरी, और काफ़ी लंबे समय तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें आपको बैटरीज इंसर्ट करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए,
तो यहाँ पे आपके पास चार बैटरीज हैं, तो दो जो बैटरीज लगेंगी वो लगेंगी डाउन साइड, मतलब आप मान के चलिए पॉजिटिव अगर डाउन है तो डाउन साइड में, और दो बैटरीज जो लगेंगी पॉजिटिव अप में लगेंगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको बैटरीज इंसर्ट करके बता देता हूँ। तो इस मैनर में आपको बैटरीज इंसर्ट करनी है और बेस को वापस अटैच कर देना है क्लॉकवाइज रोटेट करके। देखिए मैं आपको भी बताता हूँ, यहाँ मैं चारों बैटरीज पहले इंसर्ट कर लेता हूँ और ये रहा बेस, इसे हम लोग वापस अटैच कर देते हैं और क्लॉकवाइज हल्का सा मूव करना है आपको ताकि ये फिट हो जाए इजीली। तो यहाँ मैं सेल से मैच कर लेता हूँ अपनी बैटरीज से और इसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज मूव करता हूँ। ये देखिए अब आपको ऊपर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, टच सेंसर है, तो उसे क्लिक करना है या पुश करना है, प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए आप वाइट लाइट आपको दिखाई देगी और दोबारा अगर आप प्रेस करेंगे तो दो बार रेड लाइट ब्लिंक होगी, जिसका मतलब है कि ये बंद हो चुका है। और अब हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं मी सिंपल वे फोमिंग हैंड वॉश की। तो यहाँ कुछ नहीं है ज़्यादा ट्रिकी, आपको सिंपल से अनबॉक्स करना है और आपको एक 200 ml की बॉटल मिलेगी इस टाइप की, और इसमें एक ऊपर नॉब दिया हुआ है जिसे आपको हटाना है, रबर नॉब है इसकी सेफ्टी के लिए ताकि ये लीक ना हो। तो एक रबर नॉब तो हमने हटा दिया और एक छोटा सा नॉब आपको और देखने को मिलेगा, इसे भी हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ आपको इसे डम करना है, इसे मैं हटा देता हूँ। एक ज़रूरी चीज़ आपको और मैं बता दूँ कि ये जो बॉटल है 200 ml की आपको 200 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी MI स्टोर पे या ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नॉब हटा दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरीके से आपको यहाँ पे अटैच करना है बेस में। तो सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको इसे जो हेड को है बेस में कनेक्ट करना है और थोड़ा सा क्लॉकवाइज मूव कर देना है जब तक ये टाइट ना हो जाए। तो ये देखिए आप हमारा रेडी हो गया है पूरा सेटअप, और अब मैं आपको इसे यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। पर उससे पहले एक ज़रूरी चीज़, हम लोग पेपर रख लेते हैं बेस में ताकि फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर या पहली बार ही मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो जो बेस है वो गंदा ना हो, क्योंकि माउस पैड पे मैं इसे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा जो है फोम निकलेगा, इसे मैं रब कर लेता हूँ, हाथ साफ कर लेता हूँ। फिर सेकंड टाइम में भी हमें थोड़ा सा यहाँ देखने को मिलता है फोम, इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ कपड़े से। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल जाके इसे यूज़ करना है, फोम जैसे ही आपको हाथ में आएगा इसे रब करना है और आपको हैंड वॉश करना है, सीधी सी बात। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, आपको डेमो पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे ही आप इसे यूज़ कर लें, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहीं जाना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको ऊपर वाली बटन जो है एक बार प्रेस करना है, दो बार ये ब्लिंक करेगी रेड और आपका जो ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है वो अब यूज़ नहीं कर सकते आप। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं Xiaomi का ये मी ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर तो बिल्कुल आप इसे ग्रैब कर सकते हैं सिर्फ 999 में। जी हाँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ऑनलाइन स्टोर पे me.com/in mi.com/in या किसी भी ऑफलाइन स्टोर से Xiaomi के आप इसे परचेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, अपने कार में भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। अगर कहीं टूर वूर पे जा रहे हैं आप तो ईजिली इसे अपने कप होल्डर में आपके फिट हो जाएगा ये, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो बिल्कुल इट्स अ येस, इट्स अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट, आप परचेज करें और यूज़ करें अपने घर में। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, 10,000 फॉलोअर्स पूरे कराओ, जाओ जाके वहाँ भी अपना प्यार बरसाओ यार। और अभी इस वीडियो में नीचे कमेंट में बताओ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें आप और चाहते हो इस चैनल से। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।